पावन अपनी हाथी से कृष्णाय वास्तवाय हरिये परमात्मने प्रे न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कलशानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंद जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा चरण मम श्री कृष्णा चरण मम श्री कृष्णा शरण। ओ भाग्यशाली कल्याणकारी मेरी देवियों बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों धार्मिक भाइयों और अपने मन को एकाग्र करें आने का पूरा पूरा लाभ उठाने की चेष्टा करें। महाराज जी की अपार कृपा से हम लोग बड़ी श्रद्धा प्रेम पूर्वक इन दिनों भक्ति योग 12वें अध्याय में प्रवेश किए हुए महाराज जी के दिव्य गुणों का ब्योरा ले रहे गए। भगवान से प्रार्थना करके आया करो कि जो आपकी अमर एवं कल्याणकारी वाणी श्रवण करने जा रहे गए ये हमारे मनों में बस जाए। आम धार्मिक स्थानों में ना तो सुना जा रहा है अपनाने की थी बड़ी दूर की बात है, यहां विस्तार पूर्वक बताया भी जा रहा है सुना भी जा रहा है। इतनी प्रार्थना आप करते आया करो महाराज अपनाने की भी हमें शक्ति देना, हम जीवन में ढाल लें जीवन में अपना लें ये जरूर अपने मालिक से आती बार वरदान लेके आया करें। जी का आगे पाठ लें, हमने उस दिन सुना था ये 16 श्लोक जारी किया उदासीना ऐसे व्यक्ति इनडिफरेंट हो जाते हैं। आगे कह रहे हैं ज्ञात वथा जिनका दुख दूर हो गई है। आज मैं इसी पर प्रकाश डालता हूं, आप सबके लिए बहुत जरूरी ये गुण है, जरा आप एकांत तपरुक सुने और मेरे मालिक जो आपको प्रेरणा देके यहां पर लाए गए और आपने देरी न दूरी कुछ नहीं देखा न गर्मी देखी भगवान आपके आने के फल देंगे। गत उतर चला गया व्यथा कहते हैं दुख को, जिसने दुख चले गए पहले हम ये देखें दुख है क्या। सुनिए जरा एकाग्रता से आपके ये विषय दैनिक जीवन में बड़े काम आएगा और गीता का उपदेश दैनिक जीवन के लिए है हमारे लोक के लिए है, पर लोक फिर बाद में होता है, पहले लोक फिर परलोक। जरा देखिए दुख किसे कहते हैं, कितना अच्छा हमारे महापुरुष ने कहा किसी घटना का नाम दुख नहीं होता। एकाग्रता पूर्वक बच्चे जरा पौना घंटा, किसी घटना का नाम दुख नहीं होता तो घटना तो घटेगी। अब हम कह सर्दी ना आए ये तो घटेगी, गर्मी ना आए ये तो होगा, दिन ना आए रात ना ये तो होगा, हमारे घर में बीमारी ना आए ये तो होगा, हमेशा सेहत नहीं बनी रहती। वही चीज आज हम अच्छी है दाल खाई है, 4 दिन के बाद दाल खाते हैं, पहले बह होती है दाल नहीं होती हजम दर शुरू जाती है। यानी एक ही चीज किसी वक्त सुख देती है किसी वक्त वही चीज पीड़ा का क्लेश का मुसीबत का कारण बन जाती है। संसार में ये तो होगा तो फिर भगवान क्या कह रही है, भगवान कह रहे हैं मेरी देवी मेरे सज्जनों कि मेरे प्यारों का दुख नहीं होता। क्या क्या उनके घर में ये घटनाएं नहीं घटती, घटती दुर्घटना कह लो दुर्घटना घटती, घटना भी घटती है इंसिडेंट्स भी होती हैं, ये सब कुछ होता है हैपनिंग्स भी होती हैं। तो फिर क्या हुआ गत में था, सुनिए दुख कब माना जाता है, एक घटना घटी कब, ये जो रब रब ने तुम मैं अपने मुख से क्या बोलूं, मन की नाना प्रकार की वृत्तियां हैं मेरी देवियों मेरे सज्जनों। एक वृत्ति है अनुकूल, अब इसकी कोई परिभाषा नहीं, एक इसके विपरीतार्थक है प्रतिकूल, अनुकूल प्रतिकूल। अब दो ये विपरीतार्थिक वृत्तियां हैं, अपोजिट करंट है अपोजिट वेव्स है। आप इसकी परिभाषा आप चटपट बोल देंगे, अनुकूल जो अपने मुताबिक हो प्रतिकूल जो अपने मुताबिक नहीं ना, ये तो परिभाषा दो और दो चार,
हमेशा दूर दूर शताब्दियां गुजर गई, शताब्दियां गुजर जाएंगी, मनुष्य जाति दूर दो तीन पांच नहीं कहेगी, चार ही कहेगी, बिल्कुल निस्संदेह। लेकिन अनुकूल की परिभाषा क्या है? है किसी की बुद्धि खुल गई पूरी? अनुकूल किसे कहते हैं? जो अपने मन को अच्छी लगे। अनुकूल की परिभाषा यही रहेगी क्या? अब सुनिए, मेरे बेटा कह रहा जो अपने मन को अच्छी लगे। हाँ, अब कितनी मेरे बच्चे ने शान से शादी की थी, आज वो अच्छी लग रही है। आप उस घड़ी के इंतजार में है कि कब ये टंटे मेरे खत्म हो और मैं पूर्ण रूपेण भगवान के चरणों में लग जाऊं। मतलब क्या, एक ही घटना आज अच्छी है, दस दिन अच्छी है, महीना अच्छी है, कुछ दिन के बाद उल्ट हो जाती है। परिभाषा क्या है? परिभाषा तो यूनिवर्सल होती है, परिभाषा तो होती है सार्वभौमिक, आलमगीर, दैट वुड बी अप्लाइड फॉर एवर एवरीवेयर एंड फॉर एवर एंड एट एवरी प्लेस। ये क्या हो? आज तो एक चीज मेरे अनुकूल है। हाँ, ये शरीर आपके अनुकूल है, चंद्र के बाद अनुकूल नहीं रहता है। जवाब कोई है किसी के पास जवाब इसका? ऐसा आ गया मादे पुत्रा, ठीक है, अब तो आ गया, यही बात आ गया आपका हेर फेर के आ गया। मैं बोलू क्या बाबे के आगे? सुख दुख क्या है? अपने अनुकूल होना सुख और अपने प्रतिकूल होना दुख। लेकिन अपने कब? अपने इस टाइम, तो चंद दिनों के बाद मेरा मन बदल जाएगा और जो मेरे आज प्रतिकूल है कल अनुकूल हो जाएगा। एक दिन पड़ोसियों में गाली गलोच होता है, अभी छह महीने गुजरे, आपस में शादियां हो रही हैं। आहा, देख लो बैठी हुई है कि यहां घटना घटी पड़ी है। एक दिन वो था कि आपने जगह मांगी और नहीं दिया गया, दो साल के बाद उसने आपकी लड़की आपके लड़के को दे दी, जगह तो दी नहीं। कितनी खेखर मचती है यहां पर जब वो घर में बैठती है, क्यों नहीं राम प्यारी है? एक दिन वो था, हां कुशल्या, और आज तो ये लड़की मुझे दे दी, जगह नहीं दी। ये देखिए, मतलब क्या, संसार परिवर्तनशील है। इसमें सदा, देखो मैं आप बताने जा रहा हूं, कोई भी बात सदा अनुकूल नहीं रह सकती, सदा प्रतिकूल नहीं रह सकती। कोई भी घटना, कोई भी बात, ध्यान देना, हमेशा प्रिय नहीं रह सकती, हमेशा अप्रिय नहीं रह सकती, हमेशा प्लेजेंट नहीं रह सकती, हमेशा अनप्लेजेंट रह सकती, हमेशा खुशगवार नहीं रह सकती, हमेशा ना खुशगवार नहीं रह सकती। क्यों? संसार परिवर्तनशील है, संसार में परिवर्तन ही परिवर्तन है। इसलिए जिनके संस्कार अच्छे थे क्या हो गए? डरना नहीं, घर बार छोड़ के महात्मा बन गया। कि यह संसार काबिले विश्वास ही नहीं, इनमें सबसे पहला नाम भर्तृहरि का आता है कि नहीं? जान देता था आपके लिए और आप अनुकूल नहीं रही, छोड़ छुड़ा के कहां निकल गया? नंबर दो गोपी चंद का नाम आता है, नंबर तीन पूर्ण जी का नाम आता है, नंबर चार महात्मा बुद्ध का नाम आता है, जिनका पहला नाम था सिद्धार्थ। शाबाश, क्या कमी थी इनके पास? राजपाट के मालिक, सम्राट, हमारे ये तो सम्राट थे। कौन? भर्तृहरि, जिनके अंडर कई राजा थे, उनको बोलते बेटे सम्राट, अंग्रेजी में एम्परर। तो हमेशा तो घटना एक जैसी रहती नहीं, इसलिए हमारे देश में कहावत है सब दिन होतना। आप भगवान किन की बात कर रहे हैं? अपने भक्तों की। भगत कौन? जिनके मन का स्तर ऊंचा हो गया। ध्यान देना जरा, भगत कौन होते हैं? यूं तो सारे भगवान के बनाए हुए हैं, सारे भगवान के, वो खुद कह रहे हैं मैं सारे जहां का हूं, माता पिता ये सारे मेरे सजनों मेरी देवियों भगवान के हैं, इसमें कोई शक नहीं, सारे भगवान के हैं। मगर वो जो पूजे बाप वो मुझ में है, मैं हूं उनमें मकी। जिनके मन के स्तर ऊंची होकर पूर्ण पेड़ भगवान की ओर झुके पड़े गए। हाँ, बिल्कुल भगवान की ओर झुक गए हैं। भगवान का पहला तोहफा उनको मिलता है गिफ्ट, विवेक। विवेक से क्या पता चलता है? सत्य क्या है, असत्य क्या?
क्योंकि दो चीजों को भगवान ने मिला के संसार बनाया, सत असत नित्य अनित्य है, जड़ और चेतन, मैटर प्लस एनर्जी इज इक्वल टू वर्ल्ड। ध्यान दो मेरे सज्जनों, मेरी कल्याणकामी देवी हो, मैं कई बार कहता हूं अपनी पढ़ाई इधर लगाओ, जितना आप पढ़ चुकी कुछ विद्या इधर लगा दो, बड़ी जल्दी आपकी बुद्धि का विकास हो जाएगा। अब वही आपकी पढ़ी विद्या इधर लगाइए, एवरीथिंग इज चेंजेबल, हर वस्तु या संसार की परिवर्तन के अंदर है। हाँ, और इधर आप कल्याण करना चाहती हैं तो पहला तोहफा मेरे भगवान विवेक देती हैं। विवेक होता है सत असत, असत वो होती जो चीज कुछ दिन रह चली जाए, सत वो जो हमेशा रहे, वो तो भगवान की जात है जो कल आज और कल आने वाले में हमेशा रहेगी, यानी भूतकाल वर्तमान और भविष्य में हमेशा रहे, वो भगवान की जात है। और जो थोड़ी देर रहे और चली जाए तो वो तो जड़ चीज हो गई। जब हम इस तरह कहते हैं तो हमारा मन सत की ओर झुक जाता, ध्यान देना, वी ऑल इंक्लाइन टुवर्ड्स ट्रुथ एंड ट्रुथ इज ओनली ऑलमाइटी लॉर्ड कृष्णा। अच्छा, तो हमारा मन उधर झुका तो मन मजबूत हो जाता है। ये भगवान का दूसरा तोहफा, पहला विवेक, और भगवान का दूसरा तोहफा होता है मन की मजबूती, मन की दृढ़ता, मन बलवान हो जाता है। जब विवेक के बाद मन बलवान हुआ, चूंकि विवेक से वैराग पैदा हो गया, वैराग ने हमें जड़ चीजों से निकाल लिया, नाशवान से निकाल के सत की ओर ले गए, तो सत ने फिर हमें ताकत दे दी हर चीज को सहन करने की। हमारा सहन किसने करना है, को हमारी गालों ने सहन करना है या किसी और अंग ने, नहीं तो अंदर वाले ने, जो नाभि से पूरे 10 उंगल ऊपर है, ये मन का स्थान है, ये बुद्धि का स्थान, ये आत्मा का स्थान, और ये तन हमारा कर्मों का स्थान। शपाश, तो हमारा, मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, हमारा मन मजबूत जाता है। तो भगवान कितना प्यार से आपको चूम के कह रही है, क्या कहा, अगर दिल है मजबूत चिंता नहीं। अगर मन मजबूत हो गया, अब आपके लिए अनुकूल क्या प्रतिकूल क्या, वैसे सुख दुख होते अपने अनुकूल हो, दुनिया वाले रोते ही रहेंगे जब तक भक्ति नहीं कमाएंगे। क्योंकि आज इसको अनुकूल कहते हैं, शादी कितने धूमधाम से हुई, तू बहू बनके कितने धूमधाम से आएगी, कितना कुछ किया गया, अभी महीना नहीं गुजरा लड़ाइयां शुरू हो गई, 2 महीने बाद लड़ाई और बढ़ गई, 3रे महीने आप लोगों को घर से अलग होना पड़ा, धूमधाम बधाइयां ये वो, सास दिन में 2-3 बार तेरा मस्तक चूमती थी, इतनी अच्छी आ गई चांदनी घर में आ गई, इतनी सुंदर आ गई, इतनी सोनी सोनी वोटी आ गई, कितना खुश। अब क्या बन गया, वही आज कितनी खुशी, थोड़े दिनों बाद आपस में क्लैश, आपस में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। तो दुनिया की कोई चीज भी सुखदाई हमेशा के लिए नहीं रह सकती, और कोई चीज दुखदाई भी नहीं रह सकती, परिवर्तन जो है। इसलिए भगवान ने 5वें अध्याय का 22वां श्लोक और उसके अंतिम शब्द, दाना कहां इससे, दाना आदमी ना अनुकूल को अनुकूल समझता, अनुकूल तो तब होना यदि ये हमेशा रहे। समझो मेरी बेटी, समझो, उसे इट इज फेवरेबल, हाँ इट मस्ट बी कंसिडर्ड फेवरेबल, इफ इट रिमेन्स फेवरेबल फॉर एवर, इफ इट रिमेन्स अकॉर्डिंग टू अवर स्वीट विल फॉर एवर, ये तो हो ही नहीं सकता, फॉर एवर तो चीज रहती नहीं। तो मेरे जैसे, आप जैसे मेरी बेटियां अपना मन संसार से उठा लेंगी, अनुकूल हमेशा नहीं रहेगा ना, तो धना आदमी पहले अपने मन को उठा लेगा, आप कितने खुश होते, ये बात ऐसी होगी, ये बात ऐसी हो गई, ये तो वैसी हो तो गई, लेकिन संभल जाओ, इस बात ने हमेशा ऐसे नहीं रहना दे, इसमें परिवर्तन होगा। संसारी आदमी को पता कोई नहीं, इसलिए क्या क्या अब क्या होता है, बस बुद्धि खुली हुई नहीं, हंसने वेले हाथ लावांगे, रोवे वेले दो हथ पेट लावांगे, आए क्या हो गया, हाय मैं मारी गई नहीं, पेट पेट के अपने बाल ही तोड़ लेंगे, मुंह से डालो लाल कर लेंगे, लो ये क्या बात, मेरी जिद का उल्टा हो गया नहीं, आज तो मैंने कभी सोचा नहीं था, वे जितना माल वे पकौड़े तालवे, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। ये आपकी दुनिया है, इसको दुनिया कहते हैं, खारा पानी समुद्र था। देखो कभी क्या क्या गा गए आपकी मूर्खता को, खारा पानी समुद्र था, ये हंसना 2 दिन का, तो रोना सारी
उम्रा का, सारी जिंदगी का रोना है, पर नालायक इंसान, पढ़ा लिखा इंसान इसी में मरा पड़ा। कोई विरले आप जैसे संभल गए तो संभल गए, वरना पिट पिट के दुनिया वाले मर के चले जाएंगे। इनको पता ही लगता कि आज अनुकूल है, कल इसने प्रतिकूल हो जाना। टुडे फेवरेबल, व्हाट अबाउट टुमारो? दाना आदमी टुमारो भी सोच लेता है, नालायक आदमी केवल आज तक रहता है। जो आप जैसे जिनकी बुद्धि खुलती जा रही है, मेरे भगवान को ज्ञान लेकर के जो दूरदर्शी बनते जा रही है, सुनो मेरे बच्चों, ए मैं आपकी बुद्धि खोलने आया हूं गीता के ज्ञान के माध्यम से, गीता ज्ञान के माध्यम से आपकी मैं खिड़की खोलने आया हूं। जैसे हाथों के द्वारा हम खिड़कियां खोलते हैं, रोशनदान खोलते हैं, ताकि शुद्ध पवित्र ऑक्सीजन अंदर आए, और अंदर की जो है डाइऑक्साइड बाहर निकले, यानी अंदर के क्या हमारी बाहर के क्या है, शुद्ध वायु आए, प्राण अपान जाए बाहर, प्राण अपान, प्राण अपान। इसी तरह भगवान के ज्ञान से हमारी अक्ल की खिड़कियां खुलती हैं। घर की खिड़कियां तो आपके दोनों हाथ खोल लेंगे, एंड व्हाट अबाउट योर इंटेलेक्चुअल विंडोज? इंटेलेक्चुअल विंडोज कैसे खुलेंगी? मैं सच्चाई से काम लेके अपना तजर्बा बता रहा हूं, भगवान के ज्ञान के बिना अकल की खिड़कियां खोली ही नहीं सकती। और जब तक अकल की खिड़कियां नहीं खुलती, हम रोते ही रहेंगे, क्योंकि जो प्रेजेंट में घटा है इसी को सब कुछ समझ लेंगे। और अगर खिड़कियां खुल गई तो हम प्रेजेंट को जरा आगे चल के देखेंगे कि ये तो आज तो ऐसा है, पर ये क्या हमेशा रहने वाला है? नहीं, इसमें परिवर्तन हो जाएगा। आज सेहत है, सुंदर हो, कल एक बच्चा जन्मने के बाद आपकी सेहत कैसी जाती है? शाबाश, जरा बीमारी आ जाए आप कैसे जाते हैं? बिल्कुल ही मजनू का पुत्र, दुबले पतले, कोई बीमारी निकल आती कैसे हाल हो जाता है? इसलिए दाना आदमी दूरदर्शी में शब्द लगा रहा हूं, दनाक व दूरदर्शी, उसके लिए अनुकूल प्रतिकूल कुछ नहीं। अगर ये अवस्था बना ली तो चार दिन आराम, लेकिन होगा ज्ञान के द्वारा, ये नहीं कि मैंने अपनी जुबान से कह दिया और आपके अवस्था बन गई, नहीं, ज्ञान के द्वारा भगवान के उपदेश वगैरह ढालेंगे। वो देखिए प्रभु क्या कह रहे हैं गीता जी के अंदर, क्या जो है मेरी तालीम पर कार बंद, वो कर्मों के बंधन से आजाद रख लो भगवान के ज्ञान को। मैं यही समझाने आया हूं, भगवान ने अवतार लिया था दो व्यक्तियों के लिए, एक दुर्योधन जैसे दुराचारियों के लिए और एक आप जैसे सदाचारियों के लिए। दो के लिए भगवान का अवतार, दुराचारियों के लिए, सदाचारियों के लिए। सदाचारियों को वो धर्म का उपदेश देके और भी गहराई मिल जाते हैं, दुराचारियों किस दुनिया में कहते हैं बोलो क्या बोले? गश्ती गश्ता गच्छन्ति, गश्ती गश्ता गच्छन्ति, भागो यहां से, गो वेन गान। और आप जैसे क्या कहते हैं? कम केम कम, वाह वाह मेरे लॉर्ड कृष्णा, वाह, आपको स्वागत करती हैं। और उनको कहते हैं जितनी जल्दी हो सके प्रस्थान कर जाओ। शब्द है प्रस्थान, क्या प्रस्थान का अर्थ क्या होता है? क्या हो जाए ना स्थान, थोड़ा चढ़ जाना, दफा दफा हो जाओ, सर सो रहे हो, भाग जाओ यहां से। प्रस्थान यानी रफा दफा हो जाना, दौड़ जाओ। उर्दू वाले बोलती है दाल फी एन, क्यों सैनी जी? कोई मैं झूठ बोलिया, कोई कुफर तो बोलिया, दाल फी एन क्या वो दफा दाल पे एन दफा बन गया, दफा हो जाएगा, दाल पे एन हो जा। वाह वाह, तो भगवान का अवतार ही इसलिए, कईयों को दाल फी एन कहने के लिए और कईयों को शुभ आगमन कहने के लिए, आप जैसे को शुभ आगमन। तो फिर अपने को देखिए, कोई भी घटना, किसी घटना को लेकर दुख ना मनाओ। अगर तो इसी जन्म में तर जाना जे, अगर फिर गर्भ में नहीं गिरना, ओ मेरी सुनो, ओ वास्ता जे रब दा मेरी सुनो, आपको कल्याण का वास्ता मेरी सुनो, इंसानियत का वास्ता मेरी सुनो, सुख का वास्ता जे मेरी सुनो, अकल का वास्ता जे मेरी सुनो, धर्म भूमि भारत का वास्ता जे मेरी सुनो। तर जाओगे तर जाओगे तर जाओगे, जैसे जहान जी रहा है, ये कोई मजा नहीं इसका, नहीं कोई मजा नहीं, हाय हाय हाय, इसका कोई मजा नहीं, ये भी कोई बात बनी? दो दिन हंस लिया, सारे दिन रोते रहे, ये कोई जिंदगी नहीं है, ये बड़ा गंदा जीवन है ना।
नहीं यहां पे लागू नहीं होगा खारा पानी समुद्र का, कि लागू होगा बेवकूफों पर, हंसना दो दिन का और रोना सारी उम्र का। क्या रब ने हमें रोने के लिए पैदा किया? भगवान कहते हैं कभी भी नहीं। अगर हम महाराज जी के ज्ञान को ले रहे तो फिर तो हंसना ही हंसना है। फिर जिसने दुख मनाना वो कौन है? माइंड। और माइंड हमारा बन जाता है ब्रेवो, वेरी ब्रेवफुल, बहुत ही अच्छा बन जाता है। तो आओ, जहान के लिए ये है मेरे अनुकूल हो जाए तो सुखकारी, मेरे प्रतिकूल हो जाए को दुखकारी। हमारे लिए क्या ना, हम ये पाठ पक्का कर रहे हैं, बुद्धि खुल गई ना, क्या पाठ? वो दुनिया वालों के अनुकूल प्रतिकूल का पाठ पढ़ रहे, रोते रहेंगे। हमने क्या पाठ पक्का किया? हमने क्या पाठ पक्का किया? जो मिल जाए लेकर, ये वो हो सकती है जो पूर्ण पेड़ भगवान के प्यारे को, ये वो नेक जीव है जिन्होंने पूर्ण पेन अपने आप को भगवान के समर्पित कर दिया। ऐसे जीव क्या, ऐसे जीवों के लिए कहा गया सदा दिवाली साध की आठों पैर बसंत। समझे, उनकी सदा दिवाली है। आठों पैर मतलब चौबीस घंटे में आठ पैर होते, तीन घंटे के एक पैर, तीन घंटे का एक पैर, तो फिर आठ पैर हो गए चौबीस घंटे, चौबीस हो गए दिन रात पूरे। इसलिए सदा दिवाली साध की आठों पैर बसंत, उनके हर समय बसंत है। वाई उन्होंने मन ही नहीं लाया संसार की घटनाओं पर, यूं हुआ तो क्या हुआ और वो हुआ तो क्या हुआ, उनके लिए कोई बात नहीं, क्योंकि उनका मन कहां लगा हुआ है? अपने भगवान जी में। आए मैं भी गीता छाती पे धर के कहूं, सचमुच हमारा मन भगवान में लगा हुआ है? अगर लगा हुआ तो हमेशा शांत रहोगे, क्योंकि मन मजबूत हो जाएगा, मन पक्का हो जाएगा। क्या हमारे पास भगवान की सहनशीलता बहुत अच्छी हो जाएगी, हम हंस के बर्दाश्त कर लेंगे। अगर बीमारी आई कोई बहुत नहीं, वो दिन नहीं रहे तो भला ये दिन कभी रहेंगे? हाय हाय, जरा नहीं आपके मन ने बुरा मनाया हो मेरी माताओं बेटियों बुजुर्गों और मेरे भाइयों, जिस धर्म भूमि भारत में मैं और आप पैदा हुए गए, हाँ हमें बड़ा फखर है कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गीता रहती है। बाद में बोल लिया करो जिस देश में गंगा बहती है। सबसे पहले मुख पहले आता है, पैर बाद में आते हैं ना, मान जाओ हम यहां से चले तो मुंह पहले आएगा। तो गीता तो भगवान का श्रीमुख है, उपदेश दिया, और गंगा तो भगवान के चरणों से निकली है, उसका नंबर बाद में आया था। वाह वाह, गंगा भगवान के श्री चरणों से निकली और गीता भगवान के श्री मुख से, और मुख की कीमत ज्यादा होती है, कदर ज्यादा होती है। आपके पैरों की कदर तो कम है ना, आपके मुख की कदर ज्यादा। शाबाश, अगर पैर से कुछ किसी को ठोकर मार दो कोई बात नहीं, आप दबा लोगे, लेकिन मुंह से कुछ कह देकर जरा किसी को, जरा कोई कठोर शब्द कह दो, दो दो तीन चीज चार चार दिन रोती रहती है, मुंह से निकला हुआ ज्यादा खतरनाक होता। सियाने कहती है ना, तलवार का जख्म मिल जाता है लेकिन जबान का जख्म नहीं मिलता, जबान का जख्म नहीं मिलता। आठ आठ दिन तेरी सास रोती रही, मेरी सास क्यों रोती रही, मेरा स्यापा करती रही, तेरा स्यापा तो नहीं, तेरी जबान का स्यापा, मेरी जबान का स्यापा करती रही, क्यों? मैं क्या है, तेने किया तो कुछ नहीं, पे किया सब कुछ है, मैंने क्या कहना है, मैंने कुछ नहीं किया, तूने कहा नहीं मारूंगी गिट्टे तो सारी रात पे पिट्टे। हाय रब्बा, यानी बहु मैं तेरे अपने अपने वास्ते गिट्टे मरवाने वास्ते आई हूं, मैं मर गई वे पुत्रा आ जावे, मर गई मैं तो, इतना ही कहा ना मारूंगी गिट्टे तो सारी रात पे पिट्टे, और गिट्टे की दर्द तो बड़ी जबरदस्त होती है, तो इतना ही कहा और तो कुछ नहीं कहा, मैंने और तो कुछ नहीं कहा। जबान का जख्म कितना गहरा, तो जो जबान से निकली है गीता, इसका प्रभाव कितना गहरा, वेरी पावरफुल। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गीता है, जो हमारे नाना प्रकार के दुखों को दूर करती, क्लेशों को दूर करती, हमारी बुद्धि को खोल देती, हमारे दूरदर्शी बना देती, हमें नहीं, हमें इंसान नहीं रहने देती, हम देवता बन जाती हैं और देव भगवान की जात में समा जाती है। गीता अपनाने के बाद क्या, मैन मैन नहीं रहता, मैन बिकम सुपरमैन, एंड सुपरमैन एंटर्स ऑलमाइटी, सुपरमैन एंटर्स ऑलमाइटी, देव पुरुष भगवान की जात में समा जाता है।
और जिनके पल्ले ज्ञान नहीं उनको एनिमल मैन बोलती है। क्या नर पशु है, शक्ल तो इंसानों की है पर कर्म इरादे सब जानवरों वाले। तीन प्रकार के इंसान, नर पशु, भद्र पुरुष और देव पुरुष, एनिमल मैन, मैन मैन, सुपरमैन। हाय हाय, और तू कहा है माँ दीदी, आप कहा है मेरे बच्चों? तीन प्रकार के इंसान, एनिमल मैन, हा मैन मैन और सुपरमैन। हम कहा है? मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं आपको सुपरमैन बनाने के लिए। क्या आप क्या बन जाओ? भद्र पुरुष बन जाओ, देव पुरुष बन जाओ। अपने शब्द है बच्चे, देव पुरुष, हम सब देव पुरुष बन जाए। देव पुरुष ही हमेशा इष्ट देव में समाएंगे, देव ही इष्ट देव में समा जाएंगे और भद्र पुरुष संसार में रहेंगे, इस जहान के काबर बन के रहेंगे। लेकिन भद्र पुरुष फिर कभी देव पुरुष भी बन जाते हैं। हर चीज का विकास हो रहा है, एनिमल मैन, मैन मैन बन रही है, मैन मैन सुपरमैन बन रहे हैं और सुपरमैन नारायण बन रही है। इसका हमारा हिंदू धर्म कहता है नर नारायण, नर नारायण। फिर जीव आवागमन से छुट्टी। तो अब मेरी महाराज जी क्या कह रही है, क्या गत व्यथा हमारे हजूर, हमारे सरताज और हमारे मन के राजा भगवान कृष्ण क्या फरमाते हैं? गत व्यथा, चूंकि उन्होंने अपनी बुद्धि और मन भगवान के समर्पित कर दिया है। हाँ, उनके ये दोनों बड़े मजबूत हो गए, इसलिए कोई भी घटना घटेगी वो बुरे नहीं मनाएंगे और कोई घटना घटेगी वो अच्छा भला भी नहीं मनाएंगे। कैसे? क्या बाबा पत्थर हो गए हैं? ये तो पत्थर है जो न भला मनाया न बुरा मनाया। नहीं मेरी देवियों, उनके विचार, उनका दृष्टिकोण, इनका एंगल ऑफ व्यू बिल्कुल ही बदल गया है। है हाँ, उनके दृष्टिकोण में ना भला रहा है ना बुरा रहा है, पर क्या हो गया? क्या जो इच्छा नंदलाल की बात बनेगी सर, जिन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया है, वो भगवान की हर क्रिया में प्रभु का सुंदर हाथ देखते हैं, भगवान की दस्तकारी देखती है, भगवान के हर क्रिया में भगवान की दस्तकारी देखी जाती है, भगवान का हैंडीक्राफ्ट देखा जाता है। ओए होए, ओए होए, ओए, महाराज जी का यह हाथ देखा जाता है कि उन्हीं का हाथ है, इसलिए मैं प्रसन्न हूं मेरे दाता। अब क्या भगत के लिए ना अनुकूल है ना प्रतिकूल है, भगत के लिए क्या जो कुछ है ठीक है, जो भी आप कर रहे हैं ठीक है। वही मैंने अभी अभी कहा था, क्या जो लेकर जो मिल जाए लेकर वही शाद, वाह उसमें प्रसन्न, तब तो इंसान 24 घंटे खुश रहेगा, वरना इस दुनिया में हमेशा खुश रहे नहीं हो सकता। क्यों? ये दुनिया है परिवर्तनशील। हाँ, परिवर्तन होगा तो परिवर्तन तो होकर रहेगा, अगर हम किसी एक में दिल देंगे तो फिर वाह फिर रोना पड़ेगा। दो बहनें बैठी हुई थी और दोनों आपस में चर्चा चला रही थी। हाँ, तो कह रही थी मुझे ये कपड़ा अच्छा लगता है मुझे, तो वो एक चुप बैठी थी। तो देखिए मैं कितनी बातें कर रही हूं, मुझे ये सूट अच्छा लगता है, मुझे ये गहना अच्छा लगता है, मुझे फलाना अच्छा लगता है, मुझे फलां पुरुष अच्छा लगता है, तो तू चुप कर सुनती रही है। पहले मैं तेरी तो सुन लवा, कुछ और बोल रही तो बोल रहा है, तो तेनु क्या भाव है? अब जिस जिन्होंने बड़ी चर्चा चलाई उसने कहा, अरे तेनु क्या भाव है? मैनू हा जो मेरे रब नु भाव है ओ मैनू भाव है। तू तो है झल्ली लाल को लली मक्की दी छली, झल्ली लाल को लली ते मक्की दी छली, और छली भी वो जिसके ऊपर दाने को नहीं लगे, ये दाने लगे थे तो तोड़ लिए गए, ऐसी लाल को लली। कैसे? तू कहते मुझे ये भाव है, मुझे ये भाव है, मुझे ये भाव है। हा तो ये तो हमेशा दिन रहेगी नहीं, फिर क्या होगा? फिर तो वाकई तो मुझे तो जो मेरे भगवान नु भावे मुझे, तेनु क्या भाव है? जो मेरे रब नु भाव है। हाय हाय, ऐसे जीवों का जन्म नहीं होता। सुनो मेरी बात मेरे सजनों, सुनो मेरे भगवान की बात, ऐसे जीवों का जन्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो इनसे ऊपर उठ गए। कहां चले गए? इंसान करे ख्वाहिशें दिल से, ये मुक्त हो गए। एक एक बात खड़ी करके सुना रहा हूं, अगर आप अपना ले तो, अगर मेरी देवियां अपना के फिर जन्म भर में ना आए तो। दूसरी सहेली कहती है, क्या मुझे तो वही भाव है जो मेरे भगवान भाव है। हाय नहीं,
मेरी अपनी कोई इच्छा ही नहीं रही, मेरी कोई अपनी तमन्ना नहीं, मेरी कामना नहीं, ये तो अपना लो। और खासकर नारी चोले में आई बैठी देवियों, ये तो अपना लो। गृहस्थ आश्रम में रहने वाले मेरे सज्जनों, ओ मेरे युवक वर्ग, ये तो अपना ले। मेरी कोई इच्छा नहीं, मैं पुरुषार्थ करूंगा दिन रात, आगे जो इच्छा नंदलाल की, जो इच्छा मेरे कृष्ण जी की, जो इच्छा मेरे भगवान की। शरीर प्यार में बच्चे बड़ी बीमारी है, जो जो जितना भोगी आपका देश कह रहा है, जितना भोगी उतना रोगी। तो रोग तो ऐसे निकलती है ना, बड़े गंदे गंदे, लावा फेरे थप्पड़ मारो अपने मुंह के ऊपर, और गोलियां मिलती है बाजार से, खा के मर जाओ मेरी बेटी हो। लावा फेर में दुख ही दुख है। लावा फेर क्या है? लावा फेर है, ये तो बीमारियां फेर है, ये तो आवागमन अफेयर है, इसे तृप्ति मिलनी कोई नहीं। कमली जाति बीए करके एमए करके इतना पढ़ के क्या एक मरने वाले शरीर के गए, मैं तेरे बिना नहीं रहंदी, वो भी कहते मैं नहीं रहंदा, फिर फिटे मुंह थोड़ा, भविष्य कितना काला कर लोगे, कितना काला कर लोगे बेटे। नहीं, प्यार का मजा तब आता है जब तृप्ति हो जाए, तृप्ति होनी कोई नहीं। गल्ला पड़ता है इंसान को, आज इंसान बड़ा बेवकूफ हो चुका, मैं फलानी चीज के बिना नहीं रह सकता, फिर नहीं तृप्ति होनी। कम से कम इतना वर्ग तो स्याना बन जाए, जो वर्ग भगवान की प्रेरणा से उपस्थित है, ये तो हम स्याने बन जाए। स्याना कौन जिसका मन भगवान में लगे वो स्याना, स्याना कौन जो संसार से वैरागी हो जाए वो स्याना, स्याना कौन जिसकी संसार संबंधी कामना है हमेशा के लिए भस्मीभूत हो जाए वो स्याना, स्याना कौन, आखिर मैं कह रहा हूं जो अंतर्मुखी हो जाए वो स्याना। नहीं तो बाकी बाकी क्या, एक कख दे काने भले दुनिया कैसे आने, हैं ये काने काने हैं काने, एक कख दे काने भले दुनिया कैसे आने। पर ये स्याने नहीं, इनको चार दिन के बाद बहुत पूछते रोना पड़ेगा, क्योंकि भगवान का नियम जो दुनिया जानती नहीं, ताल्लुक से पैदा जो उसी से प्रगट हो। लो पांचवें अध्याय का 22वां श्लोक, बड़ा इंकलाबी है, बड़ा इंकलाबी प्रभु का उपदेश, कि जो भगवान को छोड़ करके शरीरों से या पदार्थों से सुख पा रही है, उन्हें थोड़े दिनों के बाद खून के आंसू बहाने पड़ेंगे, बड़ी बुरी तरह रोना पड़ेगा, बहुत बुरी तरह। अंग्रेजों ने यहीं से तो ले गए हमारी कहावत, क्या नो जाए विदाउट अलाय, नो जाए विदाउट अलाय, अलाय ALLOY, ALLOY, दुनिया में कोई खुशी नहीं जिसमें दुख की मिलावट ना हो। अलाय कहते बेटे मिलावट को, नो जाए विदाउट अलाय, कोई दुनिया में सुख नहीं जिसके साथ दुख की मिलावट ना हो। जैसे खाने वाली कोई चीज बाजार में नहीं मिलेगी जिसमें किसी न किसी की मिलावट ना ही पड़ी हो, कोई ना कोई ने मिलावट जरूर कर रखी है। शाबाश, इसलिए परमात्मा के कह रही है गप व्यथा, मेरे प्यारे वो गए जिन्हें संसार के दुखों से उठ गए, तो क्या उनको बुखार नहीं चढ़ेगा? चढ़ेगा, बुखार मनते ही नहीं, क्या हो गया, मेरे अपने कर्मों का लेखा चुका चुक रहा है। दुख तब आता है देवियों सजनों, अगर उसको दुख मान लिया जाए, दुख तब होता है जो दुख मान लिया जाए। आपको दो गालियां दी किसी ने, मुझे क्या दो और दे लाए, आपने बुरे नहीं मनाया, नहीं बेटी मनोरमा आपने बुरे नहीं मनाया, उन्हें दो गाड़ियां और दे दी, दो और दे दे, क्यों, क्या मुंह जकड़ते झोली पा, अपना कीता आप गवा, मैं तो लाई नहीं रही गालियां। गालियां तब जब उन्हें लिया जाए, नहीं तो फिर वो गालियां देने वाली के पास गईया। हाय शाबाश, पात्र तब होता है जब पात्र को लिया जाए। हाँ वे भैरिया अखी नहीं कौन डोडे, आ पात्र क्या है, ये पत्र आपका नहीं, मेरा तेरा पता, ना मेरा नाम तो ना मेरे प्यो का नाम तो ना मेरी मां का नाम, किस तरह नाम है फिर, मैं नहीं पता है, ले जा परे। अच्छा तो डाकिया की कहेगा, दे दो वापस, फिर मैं पिटना सारी गलिये च भी, किसका खाता है, किसका प्यो मर गया, काला खाता आया है, तो फिर आपने नहीं लिया तो क्या होता है, नीचे लिखा होता है इफ अनडिलीवर्ड प्लीज रिटर्न टू द सेंडर, अगर ये नहीं लिया जाता तो जिस मुकाले ने भेजा है उसी दे वापस भेज दिया जाए। शाबाश, तो दुख तब दुख होता है जब मान लिया जाए, अगर माना नहीं
तो जहां से दुख आया वापस रिटर्न टू द सेंडर। हाय मेरे रब्बा, दुख तब है जब उससे गालियां तब है जब पान लिया जाए। बुखार चढ़ गया, कोई बात नहीं, जो मैंने किया मेरे आगे आ गया, मैं भोग के चला जाऊंगा। ये अगर आप फेल हो गई तो दुख तो तब है ना, कहीं फेल होकर आत्महत्या कर लेती हैं, जहर खा लेती हैं, पता नहीं क्या क्या कर लेती है आजकल। ओह, गीता नगरी में एक ने आग लगा के सड़ गई, लड़की इतनी सुंदर इतनी अच्छी, फेल हो गई, लगाई आग के सड़ गई। यानी शरीर को समझते कुछ नहीं, मैं मुंह कैसे दिखाऊंगी, मैं मिट्टी में पढ़ती हूँ, मिट्टी में स्कूल में पढ़ती हूँ, मैं बकवास नहीं कर रहा, गीता नगरी में जानते हैं, बस खत्म है, शाबाश है शाबाश। तो एक एक अगर आपके जैसी होती कोई यहां तो फेल हो गए, क्या हो गया, क्या नेक्स्ट ईयर दी बेस्ट ईयर। वाह, फेल होने तो तब है ना, हाँ जब उसे बुरा मना लिया जाए। और जिनके पहले विचार उन्होंने कह दी, क्यों हो, कोई बात नहीं, फिर हो गए मेरी जुत्ती जो बार बार काले जाती रही है, मैं करो मां, नेक्स्ट ईयर दी बेस्ट ईयर। ये कह के अपने मन को खुश कर ली, सारी बात विचारों की है ना, ओ मेरी माता, ओ बेटी, ओ बुजुर्गो, ओ भाइयो, सारा खेल दुनिया में विचार, ना सिर का है, ना गालों का है, ना दांतों का है, ना हाथों का है, ना पेट का है, ना किसी और अंग का है, सारा खेल विचारों का। वो देखो स्तारवेद है भगवान ने क्या, अकीदा ही इंसान की, मेरी और आपकी तस्वीर क्या है, जो हमारे विचार है ना, कि ये चेहरा हमारी शॉर्ट स्नैप नहीं है, ये चेहरा हमारी फोटो नहीं है, बल्कि जो मन में बीत रही है वो मैं हूं, जो आपके मन में बीत रही है वो आप है। मैन इज माइंड, ना भूलना बेटियों, मैन इज माइंड, नॉट मैन इज फेस। अपने मन मजबूत कर मेरी बेटी, जो तुम्हें कॉलेज में नहीं पढ़ाया गया वो हमारे भगवान पढ़ा रहे हैं, मैं याद करवा रहा हूं। जहां कॉलेज की शिक्षा खत्म होती है, खुश हो जाओ। क्या बाबा क्या कह रहे हैं, जहां कॉलेज की शिक्षा खत्म होती है, गीता का उपदेश वहीं से शुरू होता। वाह, जहां वो पढ़ाते पढ़ाते तंग आ जाती है, गीता वहीं से शुरू करती है। जहां लौकिक विद्या समाप्त होती है, पारलौकिक विद्या की वहां शुरुआत होती है। लौकिक विद्या शरीर तक रहती है, फिजिक्स और केमिस्ट्री तक रहती है, और हमारी शिक्षा नेचर से परे उठ के क्या एनर्जी से शुरू होती है, आत्मा से शुरू होती है। वाह, इसलिए मैं हर बच्ची को कहता हूं, अपनी विद्या इधर लगाओ, जैसे मैं अपनी सारी विद्याएं भगवान की ओर लगा के बहुत कुछ ले रहा हूं, आपको भी सांझी बना रहा हूं, आपको भी पार्टनर बना रहा हूं। कमान सियाने बन जाइए, कोई घटना सुखकारी दुखकारी नहीं, बट हाउ यू टेक इट। एक लड़की, मैंने अभी कहा, फेल होके आत्महत्या कर रही है, सड़ गई मिट्टी का तेल डाल के। अच्छा, और एक लड़का कह रहा है वही फेल हो गया, वे कह क्यों हो गया, नेक्स्ट ईयर दी बेस्ट ईयर। घर में आए पिताजी ने पूछा, काका मनोरी रिजल्ट आ गया, पिताजी आ गया, क्या हुआ पिताजी, वो देर पिटे मुंह यार, पिताजी और फिर रिजल्ट तो बता पुत्र, क्यों है पिताजी मैं फेल हो गया। चलो कोई नहीं पुत्र, कोड़ी कोड़ी बच्चे आगे फिर मेहनत करी, पिताजी बुरा तो नहीं मनाया जे, तू हंसता पे तो मैं करूंगा, हालांकि धन मेरा लगा तो जब तू हंस रहा तो ठीक है। एक ही घटना देखी, एक ही घटना, शाबाश, एक ही घटना, एक के लिए सुखकारी, एक के लिए मौतकारी, एक के लिए दुख कर रही है, तो क्यों ना फिर भगवान के विचार लेकर के सुख मनाते जाएं। है ही नहीं सुख दुख तो तब रहे जब आप माने, ये घटना सुख कर रही है इफ यू टेक इट, ये घटना दुख कर रही है इफ यू टेक इट। मैंने कई बार कहा, अब आप मेरा कहना मानो, एक बार शेक्सपियर का पढ़ो एज यू लाइक इट ड्रामा, एज यू लाइक इट, बड़ा ही कॉमेडी ड्रामा है, सुखांत ड्रामा है। बात यही होती है, क्या आप मुझे प्यारी लगती है ना, एज यू लाइक इट, थोड़े दिनों के बाद आप मुझे पसंद नहीं है, एज यू लाइक इट, ओए वाह, ओए वाह, ओए वाह। आज ये कह रहे आप अच्छी हैं,
चंद्र भगत नहीं, आप अच्छी नहीं, एज यू लाइक इट। उन दिनों आप मुझे लाइक करते थे, मैं आपके लिए अच्छी थी, इन दिनों आप मुझे लाइक नहीं करते, मैं आपके लिए बुरी हूं। यही अंग्रेजी कहावत है, नथिंग गुड और बैड, थिंकिंग मेक्स इट सो। दुनिया में अच्छी बुरी कोई चीज नहीं है, सारे अपने विचारों पर आश्रित है। हाउ यू टेक इट, शबाश, आप इस घटना को कैसे लेती हैं? फिर क्यों ना भगवान का ज्ञान लेके मन को मजबूत कर ले, ताकि हमारे लिए अनुकूल प्रतिकूल कुछ रहे ही नहीं, हम जाने भी ना फेवरेबल अनफेवरेबल किसे कहती हैं, मुझे और आपको पता ही लगे प्रेजेंट क्या अनप्रेजेंट क्या, प्रिय क्या अप्रिय क्या, फेवरेबल क्या अनफेवरेबल क्या, बल्कि मेरा रोम रोम और आपका रोम रोम बोले क्या क्या क्या, जो मिल जाए लेकर भाई, आपने ये दिया ठीक है दाता, आई एम मच प्लीज। ये कितनी अच्छी अवस्था है, अगर आपका रोम रोम ये कहे ठीक है मेरे दाता, जिसमें मेरा भला था आप वही करते हैं, जिसमें मेरा भला है, जिसमें शेक्सपियर की एक लाइन और बोलू, गॉड डज, बहुत अच्छे, बहुत लाभ उठा रहा हूं, गॉड डज, डज हो गया काम देके, फिर लिखिए डज फॉर अवर गुड, गॉड डज, डज दोबारा लिखना पड़ेगा, डज फॉर अवर गुड, परमात्मा जो भी करता है हमारे भले के लिए, हाय हाय हाय, गॉड डज, दोबारा लिखिए डज फॉर अवर गुड, गॉड डज, डज फॉर अवर गुड, परमात्मा जो भी हमारे लिए कर रहे हैं उसमें हमारी भलाई है, उसमें हमारी बेहतरी है। और हमारा देश क्या कहता है, आहा आहा आहा, मेरी मर्जी मत करो, मैं मूरख नादान, तेरी मर्जी में प्रभु है मेरा कल्याण। वाह मेरे देश के महापुरुष, वाह हमें देव पुरुष बनाने वाले महापुरुष, ये मेरे देश की आवाज है, मेरी मर्जी मत करो, मैं मूरख नादान, तेरी मर्जी में प्रभु है मेरा कल्याण। कितनी सच्चाई है ये छोटे से दोहे के अंदर, कितनी सच्चाई भरी हो मेरी देवियों, मेरी मर्जी मत करो प्रभु, मैं मूरख नादान, मैं क्या जानू मेरा किस में भला है मेरा किस में बुरा है। मैं तो नादान हूं, मेरी इतनी अच्छी बुद्धि नहीं है, तेरी मर्जी में प्रभु, बस पैसे बाजी ले गए, ऐसे को फिर जन्म नहीं होने वाला, जिनकी अपनी कोई मर्जी नहीं छोड़ी, सारी अपनी मर्जी भगवान में मिला दी है। मैं फिर आपके अंतःकरण पर अंकित करना चाहता हूं, मेरी मर्जी मत करो, मैं मूरख नादान, तेरी मर्जी में प्रभु है मेरा कल्याण। इस अवस्था में आपके सोने रब कह रही गए, गत व्यथा है क्या, उनके सब दुख दूर हो जाते। अब क्या दुख, क्यों मने तो दुख है ना, मने ही कोई नहीं मने तो कोई दुख नहीं, एक ही घटना मैंने अभी दी थी, मान लो तो दुख है, एक को घाटा लगा 4 लाख का, उन्होंने वो लगा रखा था चावलों का शैलर, ये हमारा सटीक घटना, 4 लाख का घाटा, ठीक। अब अगर वो संसारी हो तो शायद आते मत आए, बाबा जी हमें आशीर्वाद देना, कहिए हम तो आपके प्यारे हैं, गीता जी को अपनाने वाले हैं, आपके बार शैलर में हमें 4 लाख का घाटा हुआ है, आप हमें आशीर्वाद दीजिए, क्या हम इस घाटे को बर्दाश्त कर ले, सहन कर ले। वो मैं नालायक ने कह दिया, आपको बुरा नहीं लगा? पापा क्यों बुरा लगे, हम कोई लगभग 35 सालों से बिजनेस कर रही हैं, अगर रब ने पहली बार घाटा दिया तो क्या हम सह नहीं सकते? देख लो 4 लाख का घाटा और उसको कैसे ले रहे हैं, 35 सालों से बिजनेस कर रहे हैं शैलर का, अगर आपकी बार भगवान ने ले लिया है हाँ तो हमने यही समझा 4 लाख का दान दे दिया रब ने, समझने की बात है, सारी बात तो समझने की, 35 साल तो रब हमें कभी 8 लाख महीने अब शैलर के बाद थे, कभी 10 लाख का नफा हुआ, कभी 7 लाख का नफा, अब 4 लाख कभी घाटा भी तो हो गया, तो ये घाटा हमने दान दे दिया, जरा नहीं बुरा मनाया, मैं हैरान हो रहा हूं, नलायक बन रहा हूं
कि आपको बुरा लगा? नहीं बाबा, बस आशीर्वाद लेने आए हैं, कोई बात। वाह, है ना, नर रूप में देव पुरुष इतना घाटा कि तो कोई मर जाए, हाय रब्बा तेने की किया, तेने क्या बनाया, तेरे तो दिलों दर भी दर्द नहीं आती, तू तो पत्थर दे लाए, तो क्या बकवास करेंगे। अरे कहते कोई बात नहीं, हर साल नफा देती है, आपके पास घाटा होगा तो फिर क्या। ये भगवान क्यों ना कहे गत व्यथा, मेरे प्यारों के दुख दूर हो चुके हैं। वो मानते ही नहीं, उनको मेरे भगवान ने इतनी दैवी शक्ति दे दी है, बिल्कुल ही घटना पर विश्वास करते। कोई बात नहीं, क्या हो गया, शाबाश शाबाश शाबाश, कोई ऐसी बात नहीं। एक भाई को, ये शायद मेरे ख्याल दिल्ली की घटना है जो मैं कल्याण में पढ़ रहा था, एक भाई को पुलिस ने टेलीफोन किया, हाँ आपके बेटी की जो है कार की दुर्घटना हो गई है, हाँ आप पूरी सूचना दीजिए, जिंदा है या मर गया, ऐसा क्यों पूछती हो। हम वही प्रबंध करके आए, अगर मर गया तो वो चीजें लेके आए, अगर जिंदा है तो वो चीजें लेके आए, नहीं डेथ हो गई तो फिर हम अर्थी लेके आएंगे। वही वाह वाह, और वो करोड़ोंपति सीट है। हम वही प्रबंध करके सही सूचना दो, जिंदा है या मर गया, नहीं जी मर गया, हम ऐसा प्रबंध करके आएंगे। तो दुनिया में कोई भी घटना ना शुभ है ना शुभ है, आप कैसे लेती हैं? फिर हृदय में ज्ञान पर, क्या आपका मन ज्ञान से किसे मजबूत किया गया, तब तो इस दुनिया में शांति से जी सकते हो, वरना शांति से जीना बड़ा मुश्किल है। अगर हम दुनियादार बन के रहे, खुदादार बन के ना रहे, तो सजनों देवियों फिर शांति जीना असंभव असंभव। भगवान के प्यारे ही दुर्घटना को दुर्घटना मानते ही नहीं, शक्ति को शक्ति मानते ही नहीं, इसलिए मन का तवाज़ुन बना रहता। हमें भगवान का उपदेश यही तो सिखाता है, न जीते की शादी न हारे का सोग, दिल के तवाज़ुन का है नाम योग। यही तो हमें प्रभु सिखा रही है। इतना बुजुर्ग और भाई, अपने मन को मजबूत कीजिए भगवान के ज्ञान देकर। हमारे बस की बात नहीं कि हमारे घर में कोई मरे नहीं, हमारे बस की बात नहीं कि हमारे बीमारी ना लगे, ये हमारे बस की बात नहीं, ये हमारे बस की बात है कि हम अपने मन को मजबूत कर ले और उसको बुरा ना मनाए। ये हमारे बस की बात है कि हम बुरा ना मनाए। जैसे मेरे बच्चे अच्छा होगा जो कहते पिता ही नेक्स्ट ईयर दी बेस्ट ईयर, और एक वही घटना एक जल के मर जाती है गीता नगरी में, और एक क्या एक कोई बात नहीं, अगला साल इससे भी अच्छा बीतेगा, मैं और मेहनत करूंगा। मैंने मेहनत नहीं की होगी तो फेल हो गया। घटना एक जैसी, अब एक जैसी घटना को कोई लेता कैसे है, सुख रूप में या दुख रूप में, कॉमेडी में ट्रेजेडी में, दुखांत में या सुखांत में, कैसे लेना है। आप पिक्चर देखने जाते हैं, आप कहते मैं पिक्चर देखने बाद में जाओगे, मनोरमा तू गई थी, हाँ पिक्चर में दुखांत या सुखांत, दुखांत, मैं तो कदी नहीं जाऊं, दुनिया में दुखांत थोड़ी है, और दुखांत बढ़ाओ, कोई सुखांत आएगी तो मैं देखूंगा। शपथ, समय आपका गुजर गया, आप विचार कीजिए बस, भगवान का ज्ञान लेकर के कोई अगर तो चार दिन आराम से जीलोगे और मन का तवाज़ुन बना रहेगा, भक्ति में बढ़ जाओगे, और अगर यू जियोगे भगवान के ज्ञान के बिना, फिर तो बच्चे मरना ही मरना, गलना ही गलना, फिर कभी कुछ होगा, कभी अनुकूल कभी प्रतिकूल, कभी प्रिय कभी अप्रिय। शब्बाश, यहां तो आपको कितना अच्छा लगता है, हाँ, और कभी इसमें फोड़ा निकल आता है, कितना दर्द मारता है, हाँ यही आज सब चीजों का है, पर ये ले लो कोई बात नहीं, मेरे मालिक की इच्छा जो मेरे प्रभु की इच्छा। ये कितना अच्छा पाठ है, कितना अच्छा पाठ है, जो आपकी इच्छा मेरे प्रभु, तीन शब्द है पर कितना सुख देती है और भक्ति कितनी बढ़ जाती है। जो आपकी इच्छा मेरे मालिक, जो आपकी इच्छा, मुझे सहने की ताकत दे दो मेरे मालिक। आइए सच मानना मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, मेरे प्रभु बड़े खुश होते हैं। जो घटना घटे बुरा ना मनाए और उल्टा भगवान से कहे सहने की शक्ति दे देना, आहा बड़े प्रभु खुश होते हैं। उनकी भक्ति रात दुगनी चौगुनी तरक्की कर जाती है, दिन दुगनी रात चौगुनी, जो भगवान के शुक्र मनाते। शुक्र है मालिक हमें सहने की ताकत देना, हम परिवार वाले सहन कर सके, कोई नहीं मेरे मालिक, जो भी कर रहे हो उसमें मेरी भलाई है, लेकिन हमें सहने की शक्ति दे देना।
इसलिए भगवान कह रहे गत व्यथा मेरे प्यारों के दुख दूर हो जाते। कितना अच्छा गुण है, ये गुण क्या है, राजी बा रजा। क्या गुण है, जो मेरे मालिक की इच्छा उसी मेरी भला। आहा 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 तेरी मर्जी में प्रभु है मेरा कल्याण, जो आप कर रहे हो मेरी भलाई उसी में छिपी है। लगे बाजी ऐसे जीव आवागमन से छुट्टी पा गए। आज के उपदेश पर घर में जाकर खाओ पियो, कोई मेहमान आया बातचीत कर लो, सोती बार विचार कर लेना कि आज का पाठ कितना अच्छा, 24 घंटे खुश रहने का पाठ है। हर समय तब आपका मुंह भले ही ना बोले, आपका रोम रोम बोलेगा सदा दिवाली साध की आठों पैर बसंत। हर रोज दिवाली, हर रोज बसंत है आपकी। यदि ये पाठ पक्का कर लिया, मेरी तेरी मर्जी में प्रभु है मेरा, हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीष।